में एक समस्या और है वो क्या करते हैं कि जनरली जैसे आज अरविंद को देखा चलो मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं थोड़े दिन में जब शिवानी को देखा चलो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फिर किसी तीसरे पर्सन को देखो लिपसिंक वीडियो बनाते हैं तो खिचड़ी बनी हुई होती है प्रोफाइल के अंदर या यूट्यूब में भी फिक्स नहीं होता कि वो क्या करें तो आपको लगता है कि ऐसी प्रोफाइल को भी ग्रो करेगी इसके बाद ग्रो तो करेगी क्यों नहीं करेगी बहुत व्यूज आएंगे ऐसी प्रोफाइल को बट हम बात पैसों की hmm. पैसा आएगा कि नहीं ऐसी प्रोफाइल को भाई आजकल इतने इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो दस लोग कैमरा पकड़ के खड़े हैं एंड हैज हैंडीट फॉलोअर्स एंड व्यूज कुछ hmm. कैमरे से ज्यादा भी व्यूज है पर क्या वो उस व्यूज से पैसा कमा रहे हैं नहीं कमा पा रहे क्यों क्योंकि आजकल ब्रांड्स को डेडिकेटेड प्रोफाइल चाहिए अब एक लिपस्टिक का ब्रांड कॉमेडी वीडियो पे नहीं आना चाहता है वो सिर्फ फैशन के ब्रांड फैशन इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहता है सिमिलरली फाइनेंस um, का ब्रांड मेरे पास कभी नहीं आएगा क्योंकि उसको नहीं चाहिए फैमिली व्लॉगिंग उसको कोई मतलब नहीं है मेरे फैमिली व्लॉगर्स वाले कम्युनिटी से सो hmm. so, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को कमाना है उनको एक डेडिकेटेड प्रोफाइल पे फोकस करना चाहिए चाहे वो सेम वीडियो हर जगह डाल रहे हो कंटेंट क्या डाल रहे हो उसका कैटेगराइजेशन जरूरी है बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियोस बनाई है।, hmm. है मैंने मोटिवेशन वीडियोस भी बनाई है मैंने फैमिली व्लॉगिंग भी बनाई है मैंने फैशन बहुत बनाया भाई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा फैशन बट मैंने बहुत बनाया आंसर hmm. so, यही है लोग एक्सेप्ट करेंगे जब आप सोशल मीडिया स्टार्ट करते हो ना आपको उस समय जोन नहीं डिसाइड करना चाहिए अपना आपको हिट एंड ट्रायल करना चाहिए आपको अलग अलग टाइप का कंटेंट सामने लेके आना चाहिए जिस कंटेंट पे ज्यादा व्यूज आ गए वो कंटेंट पब्लिक ने आपका एक्सेप्ट किया है तो उस कंटेंट को फिर आगे बढ़ाओ जैसे मेरा एक फ्रेंड है विराज वो अभी उसने इन्फ्लुएंसरशिप स्टार्ट की है उसने बड़े सारे कंटेंट बनाए उसके व्यूज आने लगे फिटनेस कॉमेडी पे तो आई थिंक इट्स इज जोन इज फिटनेस कॉमेडी नाउ ही शुड एक्सपेरिमेंट उसको और लेके जाना चाहिए उसको फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहिए गारमेंट्स के बारे में बात करना चाहिए अब उसको उसको एक्सपैंड करना चाहिए तो वो जगह आपको तभी पता चलेगी जब आप हिड एन ट्रायल करोगे मैंने बोला ना इसका कोई स्कूल नहीं है